वो जो कॉलेज है वो राजा का वो महल था पहले। अच्छा, जो आज एमबी कॉलेज हो, राजा का महल हुआ करता था। हाँ, पहले राजा का महल हुआ करता था। अभी भी लोग कहते हैं कि अगर इस कुएं में कोई और नहा लेता था तो उसको चर्म रोग हो जाता था। हाँ, वो चर्म रोग हो जाता। तो हम 5-6 साल से केयर कर रहे हैं कि हमेशा 2 जोड़ा कबूतर इस इनार पे रहते हैं। जब भी उड़ते हैं या फड़फड़ाहट की आवाज़ आती है तो हम देखते हैं 2 रहते हैं। कहीं भी जाते हैं दोनों साथ जाते हैं और दोनों साथ ही वापस आकर इस पर बैठ जाते हैं। वही जो है राजा का महल होता था और ये रानी को कोई देख ना पाए, इसलिए जो राजा का था, राजा था यहाँ पर अपने रानी को स्नान करने के लिए इस कुएं को बनाया था। और अभी हम बिहार के बक्सर जिला के ऐतिहासिक जगह पर हूँ जिसको चरित्र वन कहा जाता है। और आप हमारे कैमरे के पीछे देख सकते हैं एक बड़ा सा गुंबद का आकार का कुछ आपको आकृति दिखाई दे रहा होगा। इसको रानी का जो है कुआं कहा जाता है। और ये माना जाता है कि जो यहाँ पर राजा निवास करते थे वो जो है अपने रानी को स्नान करने के लिए इस कुएँ को बनाए थे। और एक इससे संबंधित एक और ही बड़ी ही ये प्रचलित बात यह है कि जब कोई भी इस कुएँ में नहाता था तो वो चर्म रोग से पीड़ित हो जाता था। उसको चर्म रोग सहित अन्य जो शारीरिक जो त्वचा जनित जो बीमारियां होती थी उसको हो जाती थी। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बहुत ये तस्वीर है। और एक कुछ लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं। सर एक मिनट, कहाँ के रहने वाले हैं आप? थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। यही के रहने वाले हैं। अच्छा, किसका कुआं है ये बता सकते हैं? राजा रानी का। क्या कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं, जानकारी नहीं है उतना। फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी होगा आपको? जानकारी यही है कि राजा साहब जब इधर रहते थे तो गंगा जी उधर बहती थी। पानी जी जहाँ तक दिखाई दे रहा है वो सब वहाँ तक बिहार पड़ता है। बस और क्या। ये कहा जाता है कि यहाँ पर राजा अपने रानी को स्नान करने के लिए इस कुएं को बनाया। हाँ, वो बनाए थे, उन्हीं के लिए स्पेशलिस्ट बनाए थे नहाने के लिए। और वो जो कॉलेज है वो राजा का वो महल था पहले। अच्छा, जो आज एमबी कॉलेज हो, राजा का महल हुआ करता था। हाँ, पहले राजा का महल हुआ करता था। अभी भी लोग कहते हैं कि अगर इस कुएं में कोई और नहा लेता था तो उसको चर्म रोग हो जाता था। हाँ, वो चर्म रोग हो जाता था। तो आप यहीं के स्थानीय हैं? जी। तो ये जितने सारे आपको लोग हैं, एक और लोग आ रहे हैं, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं। और कितनी सच्चाई है इसके बारे में? लोग कहते हैं कि ये राजा जो है अपने रानी के स्नान के लिए इस कुएं को बनाए थे। हाँ, ये तो सही है। पहले के राजा तो अपने मन से कोई भी रानी कुछ भी बोल देती है तो बना देता था पहले। जैसे ताजमहल बना दिया। हाँ, ताजमहल बना दिए थे अपने बेगम के लिए। इसलिए यहाँ के राजा जो थे, नाम वो मालूम है आपको? नाम तो मालूम नहीं है। अच्छा, इसमें ये कुआं कहा जा रहा है तो इसमें लोग नहाता कैसे था ये समझ में नहीं आ रहा है हमको। सीढ़ी था ना, ये सब स्थल था, ये जमीन था। अच्छा, सब अच्छा। वहाँ से सीढ़ी था, वहाँ टूटा हुआ होगा थोड़ा सा, सीढ़ी के जैसे कि ढांचा दिखाई दे रहा है, एहसास होगा देखने से। एकदम पूरा ऊपर से एकदम लेवल में था वो। अच्छा, उधर से रानी आती थी, ज्यादा रहता था, इतना कम नहीं रहता था। हमेशा पानी ऊपर तक रहता था। अच्छा, गंगा का पानी ऊपर तक रहता था? हाँ, हमेशा। ये तो अब आजकल ये तो बहुत कम हो गया है पानी, नहीं तो बहुत ज्यादा रहता था पानी। उस वक्त जिस वक्त रानी नहा रही थी उस वक्त गंगा जी उस समय उधर बह रही थी, इधर नहीं बह रही थी। ये सब स्थल था, एकदम मैदान जंग था इधर, ये सब नहाने वाला सब। लेकिन अब तो ये तो खत्म होने के कगार पर आ गया है। कभी रानी के कुआं देख रहे हैं। इसके बारे में एक और बात यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है कि यहाँ पर अक्सर 2 जो है कबूतर आपसी जोड़े में मिलते हैं। कितनी सच्चाई है सर? ये सही बात है। हम करीब करीब 5-6 साल से आ रहे हैं यहाँ। आने को तो बहुत साल से आ रहे हैं हम लोग। 20-9 साल से यही मछली खरीदना और ले जाकर बेचना हम लोग का पेशा है। तो हम 5-6 साल से केयर कर रहे हैं कि हमेशा 2 जोड़ा कबूतर इस इनार पे रहते हैं। जब भी उड़ते हैं या फड़फड़ाहट की आवाज़ आती है तो हम देखते हैं 2 रहते हैं। कहीं भी जाते हैं दोनों साथ जाते हैं और दोनों साथ ही वापस आकर इस पे बैठ जाते हैं। तो क्या ये कुछ रहस्य अभी है लगता है क्या? नहीं, हो सकता है रहस्य। वो रहस्य तो हो ही सकता है, तभी तो ये इतना साल से दोनों जोड़ा दिखाई दे रहे हैं हमेशा। और ये 2 जोड़ा आपस में मतलब हमेशा हाँ, ये जोड़ ओड़ भी खाते हैं अपना, जो भी इनका उतू है वो हमेशा इस तरह की हरकतें हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, ये इसके बारे में जो रानी के कुआं है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसके बारे में जो बात बता रहे हैं, क्योंकि ये जेन्युइन लोग हैं और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और ये जो बात बता रहे हैं अविनाश, शायद एक कबूतर दिखा दीजिए। मैंने थोड़ा सा हल्का हमको भी दिख रहा है, उसको जूम करिए। वो दिख रहा है क्या अविनाश जी? दिख रहा है क्या कैमरे में? वहाँ पर थोड़ा सा दिखा दीजिए।
उड़ गया ना, उधर उड़ गया। तो इस तरह से ये जो बात बोल रहे हैं इनके बात में सच्चाई है, क्योंकि अभी हमने अपने आंखों से देखा कि यहाँ पर दो कबूतर थे। देखिए अभी ये उड़ता हुआ जा रहा है, देखिए देखिए देखिए। हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। देखिए यहाँ से फ्रेश दिखाई देगा। हाँ हाँ हमारे आप पीछे देख सकते हैं, यही और आने का कुआं है। और ये कुआं बताया जाता है कि लगभग ये कुआं की जो आयु है वो लगभग 2.5 वर्ष पुरानी बताई जाती है। और यही कुआं है जिसमें जो है राजा जो है अपने रानी से इतना स्नान करने के लिए आता था। और आज इसका लेवल जो है बहुत ही नीचे गिर गया है। और ये पहले वो जो आपको धरातल दिख जाएगा, कुछ दूरी पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ मिट्टी के बने आपको खंडहर भी दिखाई दे रहा होगा। बिना थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिएगा, वो वाला वो थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिएगा। ये बताया जाता था कि वही जो है राजा का महल होता था, और ये रानी को कोई देख ना पाए, इसलिए जो राजा का था, राजा था यहाँ पर अपने रानी को स्नान करने के लिए इस कुएं को बनाया था। और आप देख लीजिए कि कुआं जो है अब जस का तस है, हालांकि अब ये इसका अस्तित्व मिटने को है। और यहाँ के जो प्रशासन है और जो है यहाँ के आला अधिकारी कहीं ना कहीं इसके साथ घोर मजाक कर रहे हैं। ये एक बक्सर का एक धरोहर है जिसके साथ काफ़ी जो है नाइंसाफी और मजाक चल रही है। बाकी ये इसका जो है इतिहास काल में भी एक बहुत बड़ा रोल है। और ये कहा जाता है कि यही एक कुआं है जिसमें न सिर्फ स्नान के लिए इसमें बनाया गया था, बल्कि जब सैनिक आक्रमण करते थे तो इसमें ज़्यादातर जो सिपाही थे, ये कहा जाता है कि ऊपर पर पटरा डालकर लोग यहीं पर छुप जाते थे और इस तरह से उनकी जानें बच जाया करती थी। बाकी स्टोरी कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिए। और आप भी हमारे चैनल जनतंत्र खबर पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे कैमरे पर साथी हैं अविनाश आर्या जी, और आप जनतंत्र खबर देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।